राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल सीधा ज्योतिषीय समाधान। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। लगन के अनुसार दोस्तों, मैं योग कारक और बाधा कारक ग्रहों की चर्चा कर रहा हूँ। इसी विषय में आज चर्चा सिंह लगन की करेंगे। सिंह लगन दोस्तों, जब फर्स्ट भाव में आपके यहाँ पर 5 नंबर लिखा होता है तो आपका सिंह लगन होता है। लगन कुंडली में 5 लिखा है लगन में, तो आपका वो सिंह लगन है। इस लगन के लोग दोस्तों मजबूत, निडर, मेहनती, बहुत ताकतवर लगन है। ये राजसी लगन है। इस लगन की महिलाएं भी पुरुषोचित व्यवहार वाली होती हैं दोस्तों। गलत ये देख नहीं सकते, बहुत न्याय पसंद होते हैं। जब कुछ गलत देखते हैं तो इन्हें गुस्सा जरूर आता है, थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, झगड़ा भी करते हैं। वाणी का इनका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है, व्यवहार इनका थोड़ा रूखा रहता है, वाणी में इनके दम होता है दोस्तों। 90% मैरिटल लाइफ, दाम्पत्य जीवन में सिंह लगन वालों को समझौता करना ही पड़ता है। कर्क और सिंह लगन का जो 7th लॉर्ड है, स्पोज का, पति या पत्नी के घर का जो स्वामी है वो शनि है, वो चंद्र और सूर्य दोनों का शत्रु रहता है, तो उसके अंदर समझौता करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, भाई से भी इनका जो विचार है ज़्यादा नहीं मिलते, माँ का साथ हमेशा रहता है। इस लगन में दोस्तों, जो सबसे योग कारक प्लेनेट है, की प्लेनेट जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है, वो है मंगल। दोस्तों मंगल यहाँ पर 4th भाव और 9th भाव, एक केंद्र और एक त्रिकोण, इन दो भावों का स्वामी होता है, इसलिए मंगल यहाँ पर की प्लेनेट है। मंगल हर हालत में मजबूत होना ही चाहिए दोस्तों। 4th भाव आपकी माँ का, आपकी माँ का सुख दुख, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति का, आपके पारिवारिक सुख का, आपकी छाती, हृदय, फेफड़े का। इसके अलावा दोस्तों, राजनीति में ये बड़ा इम्पोर्टेंट भाव है, जनता से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, ये 4th भाव से देखा जाता है। आपकी भावनाएं 4th भाव डिसाइड करता है। इसके अलावा जो 9th भाव है, जो जहाँ पर ये 9th भाव लिखा है, 1 नंबर, इसका स्वामी भी यहाँ पर मंगल है। इससे आपकी धार्मिकता, आपकी दानशीलता, आपकी तीर्थ यात्राएँ, आप कितने भाग्यशाली हैं, आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको कितना परसेंट फल मिलेगा, ये इस भाव से डिसाइड होता है। स्त्रियों में संतान पक्ष के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पंचम से पंचम रहता है। और इन दोनों भावों का स्वामी मंगल नैसर्गिक रूप से आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपके दुस्साहस का, आपके धैर्य का, छोटे भाई बहनों का, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, कर्ज, ऋण, रोग, इनका नैसर्गिक रूप से मंगल कारक होता है। तो मंगल दोस्तों सिंह लगन में मजबूत होना ही चाहिए, नहीं तो आपको कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका सिंह लगन है, लगन में 5 नंबर लिखा है, तो आपको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, एक विलक्षण प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सूर्य उदय के समय या 8 बजे से पहले भगवान सूर्य के सामने बैठें, अपने मस्तक पर गोल रोली का तिलक लगाएं, कुमकुम का, और 15 मिनट 10 मिनट आप गायत्री महामंत्र का जप करें। मंत्र राज कामधेनु बोलते हैं गायत्री मंत्र को, मंत्रों का, इसके अधिष्ठाता देवता भी सूर्य हैं। गायत्री मंत्र जपें 10-15 मिनट और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह लगन में दोस्तों, कितनी भी आप दुर्गम समस्या में फंसे हों, आपको रास्ता ना दिख रहा हो, ये उपाय आप करके देखिएगा, रास्ता आपको ज़रूर दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप रेशमी लाल रुमाल जेब में रख सकते हैं, तांबे का छल्ला रिंग फिंगर में, अनामिका में आप धारण कर सकते हैं। गुड़ का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। और हनुमान मंदिर में जाएं दोस्तों आप मंगलवार को, वहाँ पे आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा के से पहले 10-15 मिनट राम राम जपें। इन सब उपायों से दोस्तों मंगल आपका शुभ हो जाएगा। इसके अलावा आप जितनी हनुमान उपासना कर सकें, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान साठिका, हनुमत पंजीरा, तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा दोस्तों। सिंह लगन में मंगल की मजबूती हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। कोई भी इन उपायों को बिना किसी ज्योतिष के सलाह के कर सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। वैसे तो हर लगन को लिए ये फ़ायदा देंगे, सिंह लगन में ये विशेष फलदायी हैं। सिंह लगन के बाधा कारक ग्रह की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।